Hello everyone, this is Avaranjan from avaranjan.com. Welcome back to my YouTube channel. दोस्तों इस वीडियो में कोरा के बारे में बात करूंगा. कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्वेश्चन आंसर का एक ऐसा फोरम है जहां पे आपको हर एक कैटेगरी का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और आप किसी भी बिजनेस में डील कर रहे हैं तो यहां से कोरा के थ्रू आप एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं. इसमें कोई अंत नहीं है, कोई भी अप्रोच कोरा के आसपास भी नहीं है अगर जो कोरा का सही इस्तेमाल करना लोग सीखे तो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अप्रोच है इस फील्ड में. बशर्ते आपको कोरा यूज़ करना आना चाहिए. मैंने कोरा मार्केटिंग पे बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना चुका है यूट्यूब पे. तकरीबन इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कंटेंट मेरा ही होगा क्योंकि 8 से 10 वीडियो मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे बना चुका हूँ. और मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं और उसके प्लेलिस्ट में आपको कोरा मार्केटिंग का मिल जाएगा. मैं एक बार दिखा देता हूँ. ये देखिए प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कोरा मार्केटिंग का तकरीबन 7 वीडियो यहाँ पे बना हुआ है. आप देख सकते हैं ये सारे वीडियो है. हाउ टू यूज कोरा, हाउ टू रिकवर कोरा अकाउंट, हाउ टू रैंक योर आंसर ऑन कोरा, हाउ टू मेक योर आंसर इन कोरा डाइजेस्ट, हाउ टू गॉट इन टू कोरा पार्टनर प्रोग्राम, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम कोरा, हाउ टू रिकवर कोरा आंसर. These are the important topic that I have covered in my YouTube videos. और ये सब चीज़ें जो है मैंने अपने experience से gain किया. मैं एक बार अपना profile दिखाता हूँ क्योंकि Quora पे मैंने बहुत अच्छा profile बना रखा है. तकरीबन 3 लाख से ऊपर answer भी हुए मेरा और 20 से ऊपर spaces हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 लाख से ऊपर कंटेंट व्यूज, 20 से ऊपर तकरीबन 29 स्पेसेस में एक्टिव हूँ मैं. और काफ़ी अच्छा इस पर रिसर्च भी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा काम भी है कोरा के. मैं उनके जो भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उनमें मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करता हूँ. तो बहुत अच्छा फील्ड है. मैंने इन सारे वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया हूँ. आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. मतलब आपको कोरा का आंसर रैंक कराना है, टॉप पे लेके आना है तो भी उसका भी वीडियो मिल जाएगा. आपको आपका कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया उसको रिकवर करना है उसका भी वीडियो मिल जाएगा. ईच एंड एवरी टॉपिक का मैंने वीडियो बना रखा है. लेकिन कुछ बेसिक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अगर आप कोरा मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला जो चीज होना चाहिए वो प्रोफाइल होना चाहिए. आपका प्रोफाइल एक जेन्युइन प्रोफाइल लगना चाहिए. उसमें प्रोफाइल फोटो जेन्युइन होना चाहिए. एक जो आपका कहा जा सकता है कि कैची लाइन, जो हेडलाइन जो होता है वो एक बिल्कुल ऐसा हो कि सामने वाला उससे इम्प्रेस हो जाए. आप अपने जो भी अचीवमेंट है उसको मेंशन करें. फिर साथ में जो बायो सेगमेंट है उसमें जितने भी आपके सोशल हैंडल्स हैं उनको भी मेंशन करें, जो भी आपका वेबसाइट है उसको भी मेंशन करें. इस तरह के एक्टिविटीज आपको रखना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली अगर जो कोई यूजर आपके क्वेश्चन से प्रभावित होगा तो वो सबसे पहला काम करेगा कि वो आपका प्रोफाइल विजिट ही करेगा. अगर जो प्रोफाइल विजिट करता है वहाँ पे आपने अपने सारे वेबसाइट्स और बाकी का लिंक दे रखा है तो यूजर वहाँ से जाके और आपके वेबसाइट पे जाएगा और ट्रैफिक वहाँ पे अच्छे खासा ट्रैफिक वहाँ से जनरेट कर सकते हैं. तो ये एक पहला स्टेप है और इसको आप बहुत आसान तरीके से भी कर सकते हैं. अगर जो किसी को आइडिया नहीं मिल रहा है कि मैं अपना प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करूँ तो उसको कोरा सर्च में जाना है. जो भी फील्ड हो, जैसे मान लीजिए मेरा फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं क्या करूंगा डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी जो है टॉपिक जो है इसको चूज कर लूंगा. आपका इथिका लाइकिंग है तो उसका ले लीजिए, किसी का पीएचपी है तो वो ले लेगा, किसी का फोटोशॉप है वो ले लेगा. जो भी उसका फील्ड है वो इस तरह से सजेस्ट करेगा. जैसे ही वो टॉपिक खुलेगा उसके बाद मोस्ट व्यूड राइटर आ जाता है, इस पर क्लिक करना है. लाइन से आपको उस फील्ड में जो बेहतरीन जो कोरा पे काम कर रहे हैं वो सब आ जाएंगे. आपको कुछ नहीं करना है, इनके प्रोफाइल पे जाना है, इनका जो बायो है उसको देखना है कि इन्होंने क्या लिखा है और उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपना जो है बायो तैयार करना है. तो एक छोटा सा हैक है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने बायो को बहुत
बेहतरीन बना सकते हैं। और देखिए सबसे जरूरी चीज होता है कि आप अगर जो कोरा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको किस रूप में कर रहे हैं, हाउ ऑप्टिमल यू आर, मतलब कितना आंसर कर पा रहे हैं आप, क्या आंसर आप किस तरह से आंसर ढूंढ पा रहे हैं, कितना आपका एक सही आंसर आप कर पाते हैं, ये सब चीज मैटर करता है और समय लगता है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई चाहेगा कि एक दो आंसर पे या एक आध महीना में अपना कोरा प्रोफाइल बिल्डअप कर ले तो वो थोड़ा सा मुश्किल बात है, मुझे भी सालों लग गए तब जाके इतना अच्छा प्रोफाइल है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक मेरे साइट पे या मेरा जो ब्रांडिंग हुआ है वो सबसे ज्यादा कोरा के थ्रू ही हुआ है। और मैंने इस चीज को काफी सीरियसली अभी से नहीं 2018 से ले लिया था फरवरी से, तब जाके आज 2020 में मैं चीजों को अपने अनुकूल कर रखा हूँ। और एक दो सेक्टर नहीं, आप मेरा जब स्पेस देखेंगे तो मैं बहुत सारा स्पेस है मेरा, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग, गवर्नमेंट एग्जाम जयपुर, बहुत सारे स्पेस है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा मोटिव यही रहता है कि इन सब जो भी मैं जिस तरह से मैं कोरा पे काम कर रहा हूँ उससे मैं अपने जो भी मेरा अलग अलग वेबसाइट है उस पर मैं ट्रैफिक ले आऊँ, और ये चीजें मैं करते रहता हूँ। और इसमें मैं डेली का 2-3 आंसर फिक्स रहता है, मैं कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कोरा पे देता हूँ और एक सही तरीके से देता हूँ। देखिए काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम को सही तरीके से करना इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ आंसर करते हैं लेकिन उनका आंसर टॉप में रैंक नहीं करता है और उनको वहां से ट्रैफिक नहीं मिलता है, पहला दिन ट्रैफिक आता है उसके बाद धीरे धीरे उसका आंसर का व्यूज ही खत्म हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस इसलिए आता है क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म की उतनी समझ नहीं है। मेरा आप कोई आंसर उठा लो टॉप 3 के बाहर नहीं जाएगा और 90% आंसर पहला आंसर ही मिलेगा आपको, क्यों? क्योंकि मैंने इस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीखा है, इस पे रिसर्च किया है, तकरीबन 450 से ऊपर आंसर मैंने लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 620 आंसर इधर के बेसिस पे हो गया है, कुछ एक आंसर कोलैप्स भी हुआ है, तो इतना काम मेरा किया हुआ है तब जाके अनुभव मिला है। उन सारे अनुभव को मैंने अपने प्लेलिस्ट में यहाँ पे सारे वीडियो में मैंने डाल रखा है, आपको बस मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, आपको प्लेलिस्ट देखना है, एक एक वीडियो देखना है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, ब्रांडिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बीच में लाते रहता हूं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे आपको अपनी ब्रांडिंग करने में। ऐसे करके मैं एक एक टॉपिक को डील करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द अगर जो आप चाहते हैं कि डिजिटल के थ्रू कंटेंट क्रिएशन आपको करना है और वहां से आपको ब्रांडिंग करना है, ट्रैफिक लाना है, अपना सेल्स और रेवेन्यू जनरेट करना है तो आप अभी से आज से काम करना शुरू करें और आगे भी मैं इस तरह के टॉपिक आपके बीच में लाते रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।